महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए आज इस अभिनव शिव प्रताप दिन 16 कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव जी शिंदे, यहाँ के पालक मंत्री और जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे माननीय श्री शंभुराज देसाई जी हमारे इस कार्यक्रम में, जिनका भी हमने व्याख्यान सुना, शिवाजी महाराज के वंशज हमारे आमदार श्रीमंत शिवेंद्रराज जी भोसले साहब, खासदार श्रीनिवास पाटिल साहब, खासदार रणजीत सिंह जी निबालकर साहब, आमदार महादेव जानकर जी, मकरंद पाटिल जी, महेश जी शिंदे, भरत सेठ गोगावले, नितिन जी शिंदे, विक्रम पावस्कर जी, यहाँ के कलेक्टर श्री रुचेश सूर्यवंश जी, आईजी श्री मनोज लोहिया जी, सम्मानित मंच, प्यारे भाइयों बहनों, हम सब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूँगा। जितनी आपके लिए आनंद की बात है, उतनी ही आज सारे भारत में नहीं, सारे विश्व के शिव प्रेमियों के लिए आनंद की बात है कि शिव प्रताप दिन अब कब्र से आजाद हो गया है। अब शिव प्रताप दिन शिव प्रेमियों का हो गया है, हिंदुत्ववादियों का हो गया है। जो यहाँ पर एक महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश के अनुसार, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जो यहाँ पर ढांचा ढाया गया, आपको याद आया होगा, ऐसा ही कभी बाबरी मस्जिद का ढांचा अयोध्या में था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो वो ढांचे की जगह पर भव्य राम मंदिर बना, ऐसा दिन भी आएगा। अभी तो ये ढांचा हटा है। शिवाजी महाराज ने जिस तरह से कोतला काढ़ा था इसका, अफजल खान का, वो मूर्ति यहाँ पर वापस स्थापित की जाएगी और उसकी स्थापना के लिए इससे भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने थोड़े दिनों पहले एक बात कही थी कि अब समय बदल गया है, अब देश प्रेमियों की सरकार है, राष्ट्र प्रेमियों की सरकार है। जितने हमारे नाक को काटने वाले, जितने हमको अपमानित करने वाले काम यहाँ पर हुए हैं, उन सबको हटाया जाएगा, उन सबको ध्वस्त किया जाएगा। और उसी कड़ी के अंदर आज ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के निर्देशानुसार हमसे अब यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक छोटी सी घटना जरूर याद करना चाहूँगा। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़कर उस समय लेकर गए थे, आगरा के अंदर किले में बंद कर लिया था, पर शिवाजी महाराज ने खुद के लिए नहीं, पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए वहां से तरीके से बाहर आए, और बाहर आए इसलिए भारत के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर सके। ऐसा ही माननीय एकनाथ राव जी शिंदे को रोकने की भी बहुत कोशिश हुई, पर आप भी शिंदे साहब बाहर आए, और आप बाहर आए तो आज ये उल्लास है। महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्र प्रेमियों की, हिंदुत्व की सरकार आई है आपके नेतृत्व में। शिवाजी महाराज के जिस तरह से उनके मन में जो हिंदवी स्वराज्य की कल्पना थी, वो आप और देवेंद्र जी साकार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आनंद आज किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में किसी को हो रहा होगा तो आपके गुरु आनंद राव जी दिगे को हो रहा होगा। उनको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।